नमस्कार। सीटेट एग्ज़ाम 2018 जो मॉर्निंग में हुआ है, पेपर टू यानी टीजीटी के लिए क्लास सिक्स और एट तक, या हम आंसर की लेके आए आपके लिए। हमने पहले जो बाल विकास से संबंधित पार्ट वन है उसके आंसर की हमने आपको प्रोवाइड की, वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। हम करेंगे अब मैथमेटिक्स एंड साइंस, गणित और विज्ञान से रिलेटेड पार्ट दो यानी भाग दो के आंसर की, प्रश्न नंबर 31 to 90। यहाँ देखिए, आप इस पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। हम यहाँ पहले देख लेते हैं। इकतीस का प्रश्न देखिए, 31 का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है, हमें नहीं है बताना फ्रेंड्स। तो उत्तर होगा ऑप्शन एक, यानी जो बी है निर्देशक निर्णय लेना, ये इसका उद्देश्य नहीं है। प्रश्न नंबर 32 फ्रेंड्स, मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर है इसका कोड है ओ, इस बुकलेट का कोड ओ है, ठीक है। और आप यहाँ 32 का देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त है, तो आंसर होगा ऑप्शन ए, गतिविधि आधारित अधिगम यानी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। 33 का आप देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित अधिगम के निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक आवश्यक है, तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, किसी समस्या को हल करने के विभिन्न तरीके खोज करना, ऑप्शन नंबर 4 आंसर होगा 33 का। नेक्स्ट देखिए 34, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित की कक्षा में उपयोग होने वाली पूछताछ रणनीति, इसका उत्तर होगा ऑप्शन 2, बच्चों को उनके विचार या समझ व्यक्त करने और आलोचनात्मक रूप से सोचने में मदद करता है, हेल्प चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स और अंडरस्टैंडिंग। 35 में देखिए, एक शिक्षक ने कक्षा 8 के बच्चे को क्षेत्रफल मापन सिखाया है, लेकिन उनके कई छात्र क्षेत्रफल और आयतन की विभिन्न इकाइयों के प्रयोग के बीच उलझन में हैं, तो इस बच्चे के भ्रम का कारण क्या है, उत्तर होगा ऑप्शन 1, अलग अलग इकाइयों को उनके दैनिक जीवन से संबंधित किए बिना सभी को एक साथ बताया गया है, इसलिए वे उलझन में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 का, कक्षा में गणितीय वार्तालाप को प्रोत्साहित करने के उपयुक्त उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है, उत्तर होगा ऑप्शन ए, या हमने जो रेड टिक कर रखा है ये आंसर सही है, गणित के विषय के बारे में कक्षा में डिबेट कराना, ये इसका आंसर रहेगा 36 के प्रश्न का। आप कमेंट्स में अगर आपको कोई आंसर रॉन्ग लग रहा है तो कमेंट्स में आप ज़रूर बताएं। 37 का प्रश्न देखिए, गणित में नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य है, उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, बच्चे की समझ में अंतर जानना, ठीक है। प्रश्न नंबर 38 देखिए, उपचारात्मक शिक्षण सहायक है, उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, कमजोर छात्रों को सीखने की कठिनाइयों को जानने के लिए, लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ वीक स्टूडेंट। 39 का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है बताना हमें, तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, विजुअलाइजेशन यानी मान सदर्शन नहीं होता, इसमें एग्जैक्ट मेथड यूज होते हैं मैथ में। प्रश्न नंबर 40, गणित सीखने में त्रुटियां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यह कथन है, हमें कथन बताना है, उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, सत्य कथन है, क्योंकि त्रुटियां बच्चे की सोच को दर्शाती हैं और फीडबैक मिलने के बाद उसके अकॉर्डिंग आगे उसकी पढ़ाई करवाई जा सकती है। प्रश्न नंबर 41, हमें यहाँ नीचे जो कोड दिए गए हैं उनमें से चूज करना है। आकार पढ़ाते समय एक शिक्षक ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा की योजना बनाता है, क्योंकि यहाँ दो लाइनें होंगी जो ठीक हैं, बी वाली और सी वाली, तो उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, बी और सी। 42 का, एक छात्र को एक घन की सतह का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा गया, उसने आयतन निकाल लिया, गणना में त्रुटि के कारण बताना हमें, यहाँ उत्तर होगा ऑप्शन जो सी लाइन है, ऑप्शन 3 उत्तर होगा, छात्र सतह का क्षेत्रफल और आयतन की अवधारणा को समझने में सक्षम नहीं है। 43 का आंसर होगा 43 के ऑप्शन 1, 16%। 44 का आंसर होगा ऑप्शन 1, 450 रुपये। 45 का आंसर होगा
ऑप्शन चार 16 डिग्री सेल्सियस। 46 का प्रश्न है, यह हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। आंसर होगा ऑप्शन 3 3/5, 3/5 आंसर होगा। 47 का प्रश्न, 47 के प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, प्रीमेय संख्याओं के अंतर्गत समृद्ध होती हैं। 48 का निम्नलिखित 3D आकृतियों में से किसमें शीर्ष नहीं होता, आप यहाँ ऑप्शन 2 कर सकते हैं, स्फीयर। 49 में आंसर होगा ऑप्शन 1, 3/5। 50 का प्रश्न है, आंसर होगा ऑप्शन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल सी प्लस ए प्लस बी। ज्यामितीय निरूपण जो पूरे और उसके अंश के बीच संबंध दिखाता है, उत्तर होगा 51 के प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4 पाई चार्ट। 52 का प्रश्न है, उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 द स्क्वायर रूट ऑफ क्यू का वर्गमूल। 53 के प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 10। 54 का प्रश्न है, उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 28, प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या 28। 55 का प्रश्न, उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, उनके संबंधित मानों का गुणन एक समान बना रहता है। 56 का प्रश्न, उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 चार उत्तर है, वाई का मान 4 है। 57 का प्रश्न, टैंक में पानी के स्तर की ऊंचाई होगी ऑप्शन नंबर 4 20 सेंटीमीटर। 58 के प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 रोल प्ले। 59 का प्रश्न है, उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, उसने गुणा को बार बार योग के रूप में समझा। 61 का देखिए, 61 का हमें मिलान करना है कॉलम ए और कॉलम बी में, उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। यहाँ हम कैनोपी को 4 से मिलाएंगे, बड़े वृक्ष की शाखाएं, और डीकम्पोजर्स को 3 से मिलाएंगे, सूक्ष्म जीव, और ह्यूमस को हम 1 से मिलाएंगे, पादपों और जंतुओं के मृत ऊतक, और पोर्क्यूपाइन को हम 2 से मिलाएंगे, ए वाइल्ड एनिमल, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आंसर होगा। 62 का, विज्ञान में रचनात्मक आकलन क्यों महत्वपूर्ण है, उत्तर होगा फॉर्मेटिव असेसमेंट का, इट इज डायग्नोस्टिक। 63 का, विद्यालय में विज्ञान मेले का आयोजन क्यों किया जाता है, शिक्षार्थियों में विज्ञान में सृजन एवं प्रयोग की क्षमता का विकास करने के लिए, ऑप्शन 1 उत्तर होगा। 64 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, अवधारणाओं से संबंधित गतिविधियों को शिक्षार्थियों से कराना। 65 का, अनसीएफ 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य होती है, इसका अर्थ बताना में, उत्तर होगा ऑप्शन 1, विज्ञान बालक को वैज्ञानिक ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रियाओं के सीखने के लायक बनाता है। 66 के प्रश्न में बताना है कि कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है, तो उत्तर होगा ऑप्शन 2 कठिन कार्य। 67 का जो प्रश्न है, उत्तर होगा ऑप्शन 4, गतिविधि आधारित शिक्षण होना चाहिए गणित पढ़ाने के लिए। 68 का प्रश्न है, उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, विज्ञान का ज्ञान अर्जित करना ही विज्ञान अधिगम का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। 69 का, विज्ञान के मूल्यांकन में सतत एवं समग्र मूल्यांकन का अर्थ है, उत्तर होगा ऑप्शन 1, अधिगम के आकलन हेतु सामान्य गतिविधि और अभ्यास, इसमें सब कुछ आता है, जो एक्टिविटी है वो और जो अपना एकेडमिक्स है वो। प्रश्न नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान विधि का एक चरण नहीं है, उत्तर होगा स्थिति की कल्पना करना, मैथ में कोई कल्पना नहीं होती।
इसमें विधि के अंदर हम इसको नहीं बता सकते। 71 का निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में अनुरूपता विधि का एक चरण है? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, मैप सिमिलरिटीज। 72 का देखिए, संसार में पाए जाने वाले सबसे लंबे सर्प हैं? उत्तर ऑप्शन नंबर 2, जालीदार अजगर। 73 का प्रश्न, विश्व भर में लोगों द्वारा योग किया जाता है क्योंकि ये लोगों को स्वास्थ्य रखता है? ऑप्शन नंबर 4, 73 का उत्तर है। 74 का, चेचक के टीके का आविष्कार? ऑप्शन नंबर 1, एडवर्ड जेनर ने किया था। 75 का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक परीक्षक के रूप में किया जाता है? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, सोडियम बेंजोइट। 76 का, ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, अल्कोहल। 77 का प्रश्न, हमें यहाँ ये देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया जैसे एटीपी से रिलेटेड है, वैसे ही राइबोसोम रिलेटेड है प्रोटीन से, ठीक है। 78 का देखिए, यदि एक सरल दोलक की आवृत्ति 2 हर्ज है तो यह है 16 सेकंड में कितने दोलन पूरा करेगी? 78 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 32। 79 का, कौन सी धातु वायु में रखने पर जल उठती है? ऑप्शन नंबर 4, मैग्नीशियम। उत्तर होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग हम, ऑप्शन नंबर 1 उत्तर होगा इसका, प्रति अम्ल यानी एंटी एसिड के रूप में काम करते हैं। निम्न में से कौन सी गैस पोप की ध्वनि के साथ जलती है? उत्तर होगा 81 प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4, हाइड्रोजन गैस। निम्न में से कौन से असंपर्क बल का उदाहरण है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल देना है 82 के प्रश्न में। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, जिसमें हम एक और दो दोनों को शामिल करेंगे। एक और दो दोनों ऑप्शन आंसर हैं, गुरुत्वाकर्षण बल और पेशी बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स और मस्कुलर फोर्स। मधुमेह में किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है? इंसुलिन। 84 पर आइए, निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पादन नहीं है? पैराफिन वैक्स है, बिटुमिन है, केरोसिन है, सीएनजी नहीं है, ऑप्शन नंबर 4। रेड डाटा बुक का क्या रिकॉर्ड रखती है? रेड डाटा बुक एंडेंजर्ड स्पेसीज का रिकॉर्ड रखती है। 85 का प्रश्न का उत्तर यही है। 86 का देखिए, जूते के जो सोल हैं असमतल क्यों किए जाते हैं? टू इंक्रीज फ्रिक्शन, जड़त्व बढ़ाने के लिए, ताकि हम फिसले ना। 87 का, सारिका ने आसुत जल एक बोतल में लिया और पता लगाने की कोशिश की वह विद्युत सुचालक है यानी उसे क्या प्राप्त होने की संभावना है? आसुत जल यानी डिस्टिल्ड वाटर। तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर 3, इट इज एन इनिशुलेटर, विद्युत प्रतिरोधी। 88 का प्रश्न देखिए, हम लास्ट पेज पर आ चुके हैं, मैथमेटिक्स एंड साइंस का हम सोल्व कर रहे हैं। सी टेट 2018 जो मॉर्निंग सेशन में हुआ है, पेपर 2, क्लास 6th और 8th में टीचर लगने के लिए। क्वेश्चन पेपर काफ़ी नॉर्मल आया हुआ है, उम्मीद है आप सभी ने अच्छा किया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि आप नेक्स्ट जो इवनिंग में एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि बीएड वालों को अलाउ कर दिया गया है पीआरटी के लिए, तो आप वहाँ भी आंसर की देख पाएंगे। आप हमारे चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए देखते हैं 88, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर 4, किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए विद्युत धारा की अधिकतम सीमा है, ये ट्रू नहीं है। 89 का देखिए, 89 का, किस स्थान की चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है? उत्तर होगा पुरी, ऑप्शन नंबर 4। 90 का और अंतिम प्रश्न देखिए, पृथ्वी पर ऋतु में बदलती हैं क्योंकि? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज टिल्टेड विद रेस्पेक्ट ऑफ द प्लेन ऑफ द ऑर्बिट यानी पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के सापेक्ष झुका हुआ है। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ प्रश्न किए 90 तक साइंस एंड मैथमेटिक्स के, सोशल साइंस वगैरह है, और शाम को पीआरटी का, उसके आंसर की भी हम आपके लिए लेके आएंगे। आप कमेंट जरूर करें, बताएं अपनी जो क्यूरीज हैं वो जरूर डालें, और ये अनऑफिशियल आंसर की हैं फ्रेंड्स, आप हमारे साथ अपने विचार शेयर जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।